नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा केले के पत्तों से कैसे करना है वशीकरण, जो कि सबसे खतरनाक केले का महत्व हर पूजा में दिया गया है। और यही मैं आपको आप बताने जा रहा हूं कि केले के पत्तों से किस तरीके से हमें वशीकरण करना है। किसी का भी वशीकरण, महिला पुरुष किसी का भी वशीकरण इसमें से कर लेते हैं। तो हमने जिस तरीके से पेपर रखा, इस पहले तो हम पूरा स्थान जो है शुद्ध कर लेते हैं। ऐसे पूरा किंचा मार देना है। देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा जो मेरे से बनेगा। मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ बताने का। आप कमेंट करिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे करके बताऊँगा कि ऐसे ऐसे करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन कृपया वीडियो पूरी देखिए। अगर आपकी करने की इच्छा है जब भी वीडियो को देखिए, अगर करने की इच्छा नहीं है तो आप वीडियो को बंद कर दीजिए यहीं से। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें दो पत्ते लेना है। जिसको वश में करना है उसका फर्स्ट नाम लिख देना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो मैंने इसलिए लड़की लड़के के उदाहरण में मैंने लिख दिया, जिसको वश में करना है पहले पत्ते पैसे लिख देना है। ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे मैं लड़की लिखा हूँ उसका नाम लिखना है, जिसको वश में करना है खाली नाम लिखना है। और दूसरे में लड़का, जिसको जो खुद कर रहा है ये काम, आप अपने लिए कर रहे हैं तो उधर नीचे अपना नाम लिख लेना है। जिसके लिए कर रहे हैं उनका फर्स्ट में नाम, दूसरे नंबर पे अपना खुद का नाम लिख दीजिए। और तीसरे पत्ते में जो लिखना है वशीकरण करना है, सच्चे दिल से ही लिखना है वशीकरण करना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया। एक्स्ट्रा में हमें ये चार पत्ते रख लेना है जो कि हमारे बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। और एक साथ में पेपर भी रख लेना है, और जो केले की जो लकड़ी बीच में बचती उसको रख लेना है, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। हल्दी, कुमकुम, चावल, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, जब भी आपके समझ आएगा, ठीक है। थोड़ा हल्दी और चंदन मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये हमने मिक्स कर दिया, थोड़ा सा चावल मिक्स कर देना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही लिख जाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, जैसे आपसे बन रहा वैसे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें पहले करना है, जिसमें आपकी मर्जी उसमें कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करूँगा मैं आपको, एक बार लिखिए ज़रूर। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपको डालता रहूँ और समझ में आता रहे और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए, ध्यान से देख करके करिएगा प्लीज, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, आपका काम भी हो जाए। बाद में ये मत बोलिए मैंने गुरुजी काम किया, हुआ नहीं, क्योंकि इस उपाय को काफ़ी लोगों ने किया है। मैंने 2013 में उपाय डाला था, काफ़ी लाभ मिला था। मैं पब्लिक प्लेस नहीं करना चाहता था, जब लोगों की समस्या मैंने देखी ज़्यादा तो मैं पब्लिक प्लेस करने में मजबूर हो गया, इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको पूरा रंग दीजिए, ठीक है। पूरा कुमकुम वगैरह सारा कुछ इस तरीके से पूरा रंग दीजिएगा। आपको पूरा सारा कुछ करके दूंगा, समझ सकते हैं। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी सामग्री लगती है जब कहीं वीडियो तैयार हो पाती है, तो कृपया ध्यान से ही देखिएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये गीला कर लिया, ये अपना खुद का है जो हम खुद करने जा रहे हैं, इसको साइड में रख दीजिए। इसकी फोल्डिंग बनाइएगा इस तरीके से, इस तरीके से फोल्डिंग बना के रख दीजिएगा।
इसका भी वैसे ही फोल्डिंग बना लीजिएगा। दोनों का हमने फोल्डिंग बना लिया इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमें ऐसे बंद करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई ये गंगा जल नहीं है, सादा पानी मैंने लिया, पानी ले सकते हैं, जिसमें ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता दूंगा। ये जो उपाय है 11 घंटे का उपाय है, 11 घंटे के अंदर सामने वाला उसमें हो जाएगा। इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है इसको, ठीक, इसको इस तरीके से फोल्डिंग कर लेना है। इस तरीके से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चावल के भी दाने इसमें आ जाएं, हाथ से डाल लीजिएगा इस तरीके से। ये हमने कर लिया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे पूरा। बहुत ही खतरनाक उपाय है ये, इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि आज तक किसी ने ये उपाय के बारे में नहीं बताया होगा, आप सर्च कर लीजिए। मैं लोगों की परेशानी देख करके मैं ये उपाय डाल रहा हूँ। अगर ये उपाय कर सको तो ही करना, नहीं कर सकते तो मत करना। ये हमने लिया था जो आपको बताया था, इसको बंद करना है ऐसे, पूरा बंद कर लेना है। आपको आगे भी बता रहा हूँ क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। इसको हमने बंद कर लिया, ठीक है। इस तरीके से पूरा इसको, इसको भी कलर में कर देना है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक दो और बस तीन ही गांठ इसमें, तीन ही बार घुमाना है और वापस बंद कर देना है ऐसे। ध्यान रहे छूटना नहीं चाहिए ये, ठीक है, छूटने की नौबत हो और ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो के ऊपर फोकस करेंगे, काम जरूर बनेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ मैं। कोई आप लोगों को नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और रिप्लाई भी करूँगा आपको बराबर से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूरा बांध लीजिएगा। ध्यान से बांधिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये बन गई, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल लाल कर लीजिएगा। हमने सादा पेपर बोला था, ऐसे रख लीजिएगा और पूरा ऐसे बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी सामग्री जो है अंदर हो चुकी है और इसे भी थोड़ा सा बांध दीजिएगा। अब इसे क्या करना है, बांधने के बाद हमने ये बांध लिया है, इससे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या अगर रुका भी है तो उसमें भी प्रवाहित कर सकते हैं। 11 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा, 11 घंटे के अंदर ही इसको प्रवाहित करना है। किसी भी ठहरे हुए पानी में भी डाल सकते हैं, बहते हुए भी पानी में डाल सकते हैं, या कोई गंगा जल वगैरह है वहाँ डाल सकते हैं, भरा हुआ पानी कहीं ऐसा है वहाँ डाल सकते हैं। जैसे ही आपने इसको प्रवाहित किया, जिसको वश में करना उसका नाम लेकर के इसको डाल देना, तुरंत आपके वश में। आपको टाइम नहीं लगेगा और आपका 11 घंटे के अंदर ही फोन आ जाएगा, लेकिन इसको 11 घंटे के अंदर ही प्रवाहित करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और जितना मेरे से बनेगा उतना हेल्प करूँगा, क्योंकि ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का काम बने, मुझे दुआ मिलेगी। तो मित्रों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।